सब्सक्राइब कीजिए टेक्नीशियन राहुल चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन राहुल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूँ कंपैरिजन ओप्पो A57 नोकिया 6 इन्फिनिक्स नोट 4 का। तो दोस्तों, जो मैं कंपैरिजन लाता हूँ वो कंपैरिजन होते हैं फीचर्स रिव्यू। तो इसको आप वो वाले रिव्यू मत समझिया करिए जो मैं आप सोचते हैं जो मैं फ़ोन के थ्रू दिखाता हूँ। तो चलिए ये आपका फीचर रिव्यू शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको मिलते रहेंगे मेरे लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशन स्कोर की बात करें तो सबसे ज़्यादा नोकिया 6 को मिल जाता है 7300 में से। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नोकिया 6 में नोगट है और वो भी 7.1.1 के साथ, और वहीं इन्फिनिक्स नोट 4 में मिलता है 7 और मार्शमैलो मिलता है ओप्पो A57 में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इनमें, अगर ये तीन फ़ोन पड़े हो कि रीज़न क्यों होते हैं नोकिया 6 लेने के लिए, तो चलिए बात करते हैं। इसमें मिल जाती है बिगर स्क्रीन, रिजोल्यूशन अच्छी मिल जाती है इसमें, 5.5 इंच की होती है रिजोल्यूशन, आपको इसमें दिख रहा होगा अच्छी मिल जाती है। सेम होती है इन्फिनिक्स और इसकी, और इन्फिनिक्स का साइज़ भी बड़ा होता है, पर तब भी रिजोल्यूशन तो माना जाता है नोकिया का अच्छा है। और बात करें तो इसकी तो 5.7 की इंच होती है, बिगर होती है, बेटर स्क्रीन रिजोल्यूशन इसमें भी मिल जाता है। और अगर आप ओप्पो इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि ये स्लिम है, एकदम स्लिम है, सिर्फ 7.7 mm के साथ, लाइट वेट है। जहाँ तक इन्फिनिक्स नोट 4 की बात करें तो वो बहुत भारी है। आगे बात करते हैं जनरल इन तीनों की, GSM टाइप है दोनों में, पर नोकिया में है हाइब्रिड स्लॉट जिसमें आप एक सिम डाल के एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। अगर दोनों सिम डालेंगे तो एक ही मेमोरी कार्ड, एक भी मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। दोनों में ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है, नैनो नैनो सिम है, पर जबकि इन्फिनिक्स नोट 4 में माइक्रो सिम है। तीनों स्मार्टफोन है, नवंबर 2016 को ये लॉन्च हो गया था, जबकि अगस्त 2017 को इन्फिनिक्स फ़ोन लॉन्च हुआ था। डायमेंशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। वेट आपको मैं बता दूँ तो 1 सबसे हल्का है ओप्पो, क्योंकि 147 ग्राम है ओप्पो A57 का, इन्फिनिक्स सबसे भारी है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले ओप्पो A57 नोकिया 6 की बेस्ट है, कलर IPS स्क्रीन 16M कलर्स के साथ, बस इन्फिनिक्स नोट 4 में आपको 16M कलर्स नहीं मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मल्टी टच तीनों हैं, साइज में इन्फिनिक्स बड़ा है, PPI में नोकिया अच्छा है, कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास इसमें मिल जाता है। फीचर्स में 3GB तीनों में रैम है, 22GB इनबिल्ट स्टोरेज है। कार्ड स्लॉट में तो आप बढ़ा सकते हैं 32 जनरली, पर नोकिया 6 में हाइब्रिड स्लॉट मिलता है कि आप दो सिम डालेंगे तो नहीं डाल सकते मेमोरी कार्ड, और इन्फिनिक्स नोट 4 में 128GB तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों GPRS की बात करें, 20 तीनों में HB तीनों में 3G तीनों सपोर्ट करते हैं, 4G तीनों सपोर्ट करते हैं, वोल्ट भी तीनों सपोर्ट करते हैं, वाईफाई भी विथ हॉटस्पॉट तीनों सपोर्ट नहीं करते, नोकिया 6 नहीं करता हॉटस्पॉट सपोर्ट। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी इन्फिनिक्स की अच्छी है, और USB भी नोकिया 6 और इन्फिनिक्स नोट 4 में अच्छा है। कैमरा की बात करें तो रिजोल्यूशन अच्छे हैं, 16 MP ऑटो फोकस है, और ड्यूल कैमरा किसी में नहीं है, फिश डिटेक्शन, जियो टैगिंग, प्रोमेनाड टू टेस्ट टू फोकस ये है आपको मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो सेम है, LED मिल जाता है, पर नोकिया 6 में ड्यूल LED है। फ्रंट कैमरा बेस्ट है ओप्पो A57 का क्योंकि 16 MP कलर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नोगट आपको मैंने बता दिया था, और क्या जहाँ तक की बात करें तो CPU आपको ओप्पो A57 में अच्छा मिल जाता है क्योंकि उसमें प्रोसेसर है 435 प्रोसेसर है, और वहीं इन्फिनिक्स नोट 4 में MediaTek प्रोसेसर मिलता है 1.3 GHz के साथ, तीनों ही ऑक्टाकोर GPU मिल जाता है इसमें। इन्फिनिक्स नोट 4 में मिल जाता है Mali-T70 MP3, Android 505 इसमें सेम है GPU में, दोनों बाकी दोनों में JavaScript कोई सपोर्ट नहीं करती, ब्राउज़र तीनों सपोर्ट करते हैं, बस HTML सपोर्ट करते हैं, MMS इंस्टेंट मैसेजिंग यस विथ पुश मेल, म्यूजिक लाउड है इन्फिनिक्स नोट 4 का क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, वीडियो भी अच्छी है तीनों में, FM रेडियो भी मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा की बात करें तो GPS सपोर्ट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तीनों में सेम तरह के सेंसर हैं, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट, बस इसमें जायरोस्कोप नहीं है। हेडफोन जैक मिल जाता है, NFC नोकिया 6 में मिलती है, NFC का मतलब आप फ़ोन के थ्रू कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। और साइज बैटरी बात करें तो 4300 mAh की LI Pro बैटरी है, और टॉक टाइम अच्छे हैं,
म्यूजिक प्लेबैक भी आपको दिख रहा होगा 22 वाट्स। और अब बात करते हैं इनके प्राइस की, तो सबसे महंगा देखा जाए तो नोकिया है, सेकंड पे ओप्पो है और इंफिनिक्स नोट 4 है 8000 के आसपास। तो ये था दोस्तों पूरा रिव्यू, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तीन कंपैरिजन बहुत ज़रूरी हैं और लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।